शुरू करती हूँ उस माबूद के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। आज के ऑडियो विजुअल क्लास में हम चैप्टर 1 तारीख की समझ बूझ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री का पहला हिस्सा कबलस तारीख, इब्तदाई तारीख और तारीख, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को वाजे तौर पर समझेंगे। इस हिस्से के दूसरे उनवान को बाद के वीडियो में मैं तफसीली तौर पर समझाऊंगी। अच्छे नंबरों से कामयाब होने के लिए वीडियो को आखिर तक बहुत ध्यान और तवज्जो से सुने और देखें। तारीख बहसियत मजमून वसी व अरीज मफहूम का अहाता करती है। इससे जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और दूसरे उलूम जुड़े हुए हैं जो इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे से बहस करते हैं। इन उलूम के माहिरीन ने इंसान के वजूद और उसके इर्तका के राज को आश्कार करने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन इस राज से अब तक मुकम्मल तौर पर पर्दा नहीं उठाया जा सका है। आगे बढ़ने से पहले हम मुख्तसर तौर पर ये समझ लें कि जियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी क्या है और एंथ्रोपोलॉजी क्या है। इल्मे अर्जियात क्या है, व्हाट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी एक ऐसा इल्म है जो हमें जमीन की बनावट, उस पर कायम पहाड़, नदियां, जंगलात वगैरह के कायम होने और उसमें होने वाली तब्दीली को बयान करता है। इस इल्म से जुड़े तहकीक करने वालों को जियोलॉजिस्ट कहते हैं। इल्मे असरियात क्या है, व्हाट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के जरिया हमें जमीन के अंदर पाए जाने वाली कदीम चीजों और महलों व शहरों के खंडरात वगैरह की जानकारी हासिल होती है। इस इल्म के माहिरीन को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। इल्म बशरियात क्या है, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी वो इल्म है जिसके जरिया हम इंसान की पैदाइश, उसकी तरक्की के मनाजिल का तय करना, उसकी रस्म व रिवायात को साइंसी तहकीक के जरिया जान पाते हैं। इस इल्म के माहिरीन को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। कब, कहां और कैसे इंसानी तहजीब की शुरुआत हुई। जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट साइंसी नजरिया और मुशाहदात की बुनियाद पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खुदाई के जरिया इस हकीकत को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि मजहबी किताबें इन मुशाहदात से अलग वाकयात बयान करती हैं। माहिरीन के मुताबिक 36 लाख बरस कबल जमीन पर पहले जदीद इंसान होमो सेपियंस की पैदाइश हुई। उनसे पहले होमो इरेक्टस और सबसे पहले होमो हैबिलिस की पैदाइश हुई। उन सब की कदोकामत, जसामत एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ पाए गए हैं। मसलन उनका सर छोटे से बड़ा और हाथ बड़े से छोटा के अलावा उनकी लंबाई छोटे से बड़ी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मजहबी किताबों के मुताबिक दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, जो बाइबल में एडम और वेद के मुताबिक मनु है। आज हम इंसानी जिंदगी और उसके इर्तका का जायजा जिस मंजिल पर पहुंच कर ले रहे हैं, ये नहायत ही उरूज का दौर है। तारीख नवेसों और स्कॉलरों ने इंसान के वजूद से लेकर दौरे हाजिर तक के वाकयात और हालात को बखूबी समझने के लिए तीन हिस्सों, कबलस तारीख, प्री हिस्ट्री, इब्तदाई तारीख, प्रोटो हिस्ट्री और तारीख,
हिस्ट्री में तकसीम कर दिया है। आइए अब हम कबल अस तारीख प्री हिस्ट्री के बारे में जान लें। अंग्रेजी जबान का लफ्ज प्री हिस्ट्री कदीम यूनानी और लातीनी जबान से लिया गया है। मशहूर हिस्टोरियन प्रोफेसर इरफान हबीब के मुताबिक माहिर असरियात की लुगत कबल अस तारीख यानी प्री हिस्ट्री इस दौर पर मुश्तमिल है जिसके लिए तहरीरी दस्तावेजात से कोई शहादत नहीं मिलती है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि जमीन पर इंसान की पैदाइश से लेकर तहरीरी खत के इब्तिदा का जमाना प्री हिस्ट्री कहलाता है। 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी माहिर असरियात पॉल टॉनल ने जनूबी फ्रांस के 22 माइनर वॉयस में पाए गए कदीम इंसानी बाकियात फोजिल्स और मशमूलात आर्टिफैक्ट्स का जिक्र करने के लिए प्री हिस्टोरिक लफ्ज का इस्तेमाल किया था। सर डेनियल विल्सन ने 1851 ईस्वी में अपनी किताब द आर्क्योलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में अंग्रेजी लफ्ज प्री हिस्ट्री का पहले पहल इस्तेमाल किया था। 1863 ईस्वी में हिंदुस्तान में माकबल तारीख की मालूमात माहिर अर्जियात जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने मद्रास के पल्लूराम के करीब पत्थर के दौर की कुल्हाड़ी पाए जाने की शहादत की बुनियाद पर दी। किस पीरियड को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं? प्री हिस्ट्री पत्थर का दौर स्टोन एज था। 1865 ईस्वी में जॉन लबोक ने इस दौर को आसानी से समझने के लिए दो हिस्सों पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक में तकसीम किया। 1866 ईस्वी में हॉर्डर वेस्ट्रुप ने इन दो हिस्सों के दरमियान एक नए दौर मेसोलिथिक का इजाफा किया। अब हम उस दौर को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के तौर पर समझ लेते हैं। पैलियोलिथिक का जमाना 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक का माना जाता है। मेसोलिथिक 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक का जमाना है और न्यूलिथिक का दौर 8,000 बीसी से शुरू होकर 4,000 बीसी पर खत्म होता है। इन तमाम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में मकाम के एतबार से फर्क है। एशिया और यूरोप वगैरह में इनकी शुरुआत में काफी इख्तिलाफ है। आइए हम प्री हिस्टोरिक एज में इस्तेमाल होने वाले औजार के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्री हिस्टोरिक टूल्स। इंसान ने पहले पहल पत्थर को औजार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। एक अंदाजे के मुताबिक इस्तेमाल में लाया जाने वाला पहला औजार हैंड एक्स है। उसके बाद मुख्तलिफ शक्लों के औजार उन्होंने अपने इस्तेमाल में लाए। पत्थर के साथ साथ या यूं कह लें कि कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसानों ने जानवरों की हड्डियों और दरख्त की टहनियों को औजार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने पैलियोलिथिक कदीम पत्थर के दौर से दरमियानी पत्थर के दौर को गुजारा और फिर उनके फन में मजीद तब्दीली देखने को मिलती है। पत्थर को लकड़ियों में बांधकर हथौड़ा और आतिशबाजी पहाड़ के लावा से बनने वाले टुकड़े को भाला की नोक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे निशाने पर फेंककर वो जानवरों का शिकार किया करते थे। कबल अस तारीख का जमाना प्री हिस्ट्री एज। प्री हिस्ट्री एज पत्थर के वसी दौर का अहाता करता है, जिसके दौरान इंसान ने शुरू में पत्थर के औजार लकड़ी और हड्डी के औजार और जदीद पत्थर के दौर में लकड़ी
और पत्थर के औजार का इस्तेमाल किया। प्री हिस्टोरिक एज की शुरुआत गालिबन इंसान का अफ्रीका से निकलकर जमीन पर फैल जाने से होती है और इसका खात्मा तहरीर की इब्तिदा और तांबे के हथियार के इस्तेमाल से होता है। प्री हिस्टोरिक एज में इंसान ने अपने ख्यालात के इजहार के लिए लिखना नहीं सीखा था, लेकिन जज्बात की अक्कासी के लिए गारों में नक्श उतारना जरूर सीख लिया था। उस दौर में इंसान ने छोटे छोटे ग्रह की शक्ल में रहना शुरू किया। उन्होंने अपनी तहजीब बनाई। पत्थर के नए दौर में ये ग्रोह जमात की शक्ल इख्तियार कर गया। माहिर फन ने अपने हुनर का इस्तेमाल करना शुरू किया और वो स्किलफुल बन गए, जिससे उनकी स्पेशलाइजेशन जाहिर हुई। इंसानों ने जानवरों की खाल उतारने और दूसरे काम के लिए हैंड एक्स का इस्तेमाल शुरू किया। वो शुरू में परिंदों के अंडे, फल, मुर्दा जानवरों के गोश्त खाया करते थे, जिसकी बुनियाद पर उन्हें स्केवेंजर्स कहा गया। आग से वाकिफ होने के बाद मछली और जानवरों के गोश्त भूनकर खाने लगे। इब्तिदा में इंसानों ने जिस्म ढांपने के लिए जानवरों की खाल और दरख्तों के पत्तों का इस्तेमाल किया था। आइए एक नजर हम हिंदुस्तान में पैलियोलिथिक साइट पर डाल लेते हैं। ये शुमाल में स्वान की वादी और जुनूब में अतिराम पक्कम, मरकजी हिंदुस्तान में भीमबेटका, मशरिक में छोटा नागपुर के प्लेटो और मगरिब में थार के रेगिस्तानी इलाकों में आबाद थे। प्री हिस्ट्री के बाद अब हम इब्तदाई तारीख प्रोटो हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। अंग्रेजी जबान का लफ्ज प्रोटो हिस्ट्री कदीम यूनानी और लातीनी जबान से लिया गया है। माहिर असरियात यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने इंसानों की इब्तदाई तहरीरों के दौर फर्स्ट मिलेनियम बीसी को आसानी से समझने के लिए इब्तदाई तारीख प्रोटो हिस्ट्री की इस्तेला इस्तेमाल की है। कबल अस तारीख और तारीख के दरमियान का जमाना प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिस्ट टिमोथी टेलर ने प्रोटो हिस्ट्री की इस्तेला का इस्तेमाल इंसान की नीम वैशी और तहजीबी तरक्की की वजाहत के लिए किया था। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान जब आधी जंगली जिंदगी से निकलकर तरक्की या तहजीब याफ्ता जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था, वो जमाना प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। इस तरह प्रोटो हिस्ट्री के दो डेफिनेशंस मैंने आपको बता दिया है। इब्तदाई तारीख या कदीम तारीख के इंसानों ने जज्बात व एहसासात की अक्कासी के लिए तस्वीर और अलामत का इस्तेमाल शुरू किया, जिसे हिस्टोरियंस इब्तदाई तहरीर तस्लीम करते हैं, लेकिन उनकी तहरीर का मफहूम व मानी आज तक अदा नहीं किया जा सका है। इन इब्तदाई तहरीरों में इंडस वैली स्क्रिप्ट, इटली का एट्रस्कन स्क्रिप्ट, कुश का मैरियोटिक स्क्रिप्ट और ईस्टर आइलैंड का रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट वगैरह हैं। अब हम इस दौर को भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में समझ लेते हैं। प्रोटो हिस्ट्री को तकनीकी उरूज का दौर माना जाता है। माहिर असरियात ने प्रोटो हिस्ट्री को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इसे तीन दौर में तकसीम किया है। चालकोलिथिक या कॉपर एज 5000 बीसी का पीरियड माना जाता है। 2000 बीसी को ब्रोंज और मेटलर्जी एज का पीरियड माना जाता है और आयरन एज को 800 बीसी से 100 बीसी के दरमियान का जमाना माना जाता है।
अब हम इब्तदाई तारीख का जमाना प्रोटो हिस्ट्री एज को समझ लें। मौरखीन यानी हिस्टोरियंस ने तीन मफरूजा अजम्पशन की बुनियाद पर इब्तदाई तारीख का जमाना तस्लीम किया है, यानी वो बात जो दलील की बुनियाद के तौर पर मान ली जाए। अजम्पशन वन, दुनिया के दीगर मकामात पर मखसूस तहजीब के इंसान ने तस्वीर और अलामत का सहारा लेकर अपने जज्बात और एहसासात को जबान अदा करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर वादिय सिंह की तहरीर जो आज तक नाकाबिले फहम है, यानी पूरे तौर पर उसे समझा नहीं जा सका है। एजम्पशन टू, तांबा पत्थर और लोहा के इब्तदाई दौर के इंसान ने तहरीर इजाद कर ली थी लेकिन अदबी जिंदगी की शुरुआत नहीं की थी। बाकियात से यह जाहिर होता है कि वो लोग तरक्की याफ्ता जिंदगी गुजार रहे थे। एजम्पशन थ्री, इब्तदाई तारीख के इंसान का तांबा कांसा यानी तांबा और लोहे का मखलूत धात और लोहे धात के इस्तेमाल ने उनकी तहजीब को तारीखवार मरहले में तकसीम कर दिया है, जिसमें औजार और बर्तन की बनावट शामिल है। प्रोटो हिस्ट्री को तफसीली तौर पर समझने के बाद इस पार्ट के आखिरी उन्वान हिस्ट्री को समझने के लिए हम बढ़ते हैं। हिस्ट्री यानी तवारीख का माकस क्या है? अंग्रेजी का लफ्ज हिस्ट्री, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया और लैटिन वर्ड स्टोरी से लिया गया है। तारीख क्या है? तारीख बनी नौ इंसान के माजी को तसलसल से बयान किए जाने वाले वाकयात का मजमुआ है। तारीख की इब्तिदा क्या है? मौरखीन के मुताबिक इंसान की पढ़ी जाने वाली तहरीरों से तारीख की इब्तिदा होती है, जिसके जरिया हमें उनकी तहजीबी रिवायतें मालूम होती हैं। बिरतानवी मौरख ई.एच. कार ने तवारीख की इब्तिदा के मुतालिक लिखा है कि हिस्ट्री बिगिंस विद द हैंडिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशन मीन्स द कैरिंग ऑफ द हैबिट्स ऑफ लेसन्स ऑफ द पास्ट इनटू द फ्यूचर। ये बात याद रखना जरूरी है कि हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे मकामात पर तारीख की इब्तिदा मुख्तलिफ वक्त में हुई। अब तक के हासिल शुदा तवारीख के बुनियादी अनासिर के मुताबिक मौरखीन ने यह अंदाजा पेश किया है कि 3000 कबल मसीह से 650 कबल मसीह के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से में तारीख की इब्तिदा हुई। हिंदुस्तान में तारीख की इब्तिदा वादिय सिंध की तहजीब इंडस वैली सिविलाइजेशन को तस्लीम किया जाता है। ये तहजीब तकरीबन 2500 कबल मसीह हिंदुस्तान में परवान चढ़ी थी। तहरीरी दस्तावेज के मुताबिक हिंदुस्तानी तारीख की इब्तिदा अलेक्जेंडर के हमले यानी 326 बीसी से होती है। मेसोपोटामिया की तहजीब के मुताबिक 1836 ईस्वी में फ्रांसीसी स्कॉलर यूजेन बर्न आउट और 1950 ईस्वी में हिंक्स एंड रॉलिंसन के जरिया क्यूनिफॉर्म के पढ़े जाने से सुमेरी तहजीब की मालूमात हासिल होती है। हायरोग्लाइफिक्स तहरीर के पढ़े जाने से मिस्री तहजीब की जानकारी मिली। सोगोरा कॉपर प्लेट के रस्मुल खत को जेएफ फ्लीट के जरिया पढ़े जाने से अशोक से कबल मौर्या सल्तनत के जमाने में होने वाले कहत की जानकारी मिलती है। ये कुतबा यानी इंस्क्रिप्शन प्राकृत और ब्राह्मी रस्मुल खत में तहरीर है। वेदी अदब के जरिया आर्याई तहजीब की जानकारी मिलती है, हालांकि आर्या तालीम याफ्ता नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई तहरीर ईजाद की थी, ताहम उनकी रिवायत जबानी तौर पर एक दूसरे में मुंतकिल होती रही। साथ ही साथ मैं हेरोडोटस और थुसीडेडस के बारे में भी बताती चलूं। हेरोडोटस यूनान का बाशिंदा था। वो पहला शख्स था जिसने 425 बीसी के करीब ग्रेको पर्शियन वॉर का निजी ताल्लुकात की बुनियाद पर तहकीक शुरू की और जो सुना उसे कलमबंद यानी तहरीर किया
उसकी किताब 416 बीसी के करीब द हिस्टोरियस के नाम से मंजरे आम पर आई। इसी कारनामे की बुनियाद पर उसे तवारीख का जन्मदाता द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। थुसिडिडस यूनान का बाशिंदा था। वो तवारीख में द हिस्टोरीज ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर की वजह से मशहूर है। ये जंग एथेंस और स्पार्टा के दरमियान लड़ी गई। ये तवारीख जंग की सूरत हाल, अजबाब और नतीजे की बुनियाद पर मुरतब की गई, जो कि एक साइंटिफिक तरीक़ेकार है। इसी बुनियाद पर थुसिडिडस को द फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कहा गया है। इसके साथ ही चैप्टर वन का पार्ट वन पॉइंट वन यहाँ पर खत्म होता है। जल्द ही मैं अपने दूसरे वीडियो अर्ली सोर्सेज एंड देयर नेचर के साथ हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए सर्वसम्मी को इजाजत। खालिक कायनात हम सबों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।